एक ट्वीट से शुरू हुई थी इनकी कहानी और आज ये बन चुके हैं मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी। क्या थी ऑल इलीट रेसलिंग की स्टोरी और कैसे बनाया टोनी खान ने इस कंपनी को, पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज जितने भी लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, हम सभी बहुत बड़े रेसलिंग फैंस हैं और कई सालों से रेसलिंग देखते आ रहे हैं। और एक ऐसी कंपनी जो कि हम बचपन से लेकर आज तक फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम हमेशा से पसंद करते हैं, जानते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE है। इस पूरे पीरियड में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आई हैं जिसने WWE को कॉम्पिटिशन देने की कोशिश तो जरूर करी है, लेकिन कभी उनका स्पॉट उनसे छीना नहीं है। और इन्हीं सब कंपनीज में से जो लेटेस्ट कंपनी जो WWE को कॉम्पिटिशन दे रही है वो है ऑल इलीट रेसलिंग, जो कि किसी और बिजनेसमैन की ड्रीम है, कुछ सेपरेट रेसलर्स की ड्रीम है कि हाँ हम एक अल्टरनेट बनना चाहते हैं, हम एक ऐसा प्रोडक्ट देना चाहते हैं जो कि WWE आज के दिनों में अपने फैंस को नहीं दे पा रही। और ऑब्वियसली ये जो कंपनी है वो रातों रात तो बनी नहीं है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कमाल की कहानी है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं गाइस। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर ऑल इलीट रेसलिंग बनी क्यों थी और कैसे उसके पीछे सारी चीजें हुई थी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, जो हमारा लाइक का गोल रहने वाला है आज के इस नो AEW एपिसोड में वो होगा 1500 लाइक्स का। अब सबसे कमाल की जो बात है इस पूरी कहानी की वो ये है कि कुछ भी प्लान्ड नहीं था, और जो चीज प्लान नहीं होती और अगर एकदम से हो जाती है तो हम उसको वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स बुलाते हैं। और काइंड ऑफ ऐसी ही कहानी है ऑल इलीट रेसलिंग की। साल 2017 May 16 की ये बात है जब डेव मेल्जर के ट्विटर पर एक बंदे ने उनसे पूछा कि क्या कभी WWE के अलावा कोई और कंपनी लाइक रिंग ऑफ ऑनर 10,000 से ज्यादा फैंस की अरीना सोल्ड आउट कर सकती है जैसे कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन। और डेव मेल्जर का जो रिप्लाई था इस बंदे के लिए वो काफी सिंपल था, उन्होंने लिखा नॉट एनी टाइम सून, यानी कि आने वाला जो समय है कुछ देर तक तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करने वाली। अब कोडी रोड्स ने भी इस ट्वीट को पढ़ा और कोडी रोड्स ने रिप्लाई करा डेव मेल्जर को कि भाई मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मुझे यंग बक्स दो और मुझे 3 महीने दो एक शो को प्रमोट करने के लिए और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये चीज पॉसिबल है। और वो कहते हैं मैं ऑलरेडी रिंग ऑफ ऑनर को उनका हाईएस्ट पे पर व्यू का बाय रेट दे चुका हूं और ये चीज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो ये गाइस काइंड ऑफ एक शुरुआती पॉइंट था और एक्चुअली में आइडिया ये था कि एक रिंग ऑफ ऑनर का शो करना है ताकि डेव मेल्जर के साथ जो एक कोडी रोड्स की बेट लगी है उसको वो जीत सकें, अपने आप को प्रूव कर सकें। और ये इवेंट ROH के नाम के बैनर के नीचे से निकलकर अब एक सेल्फ फंडेड इवेंट बन चुका था क्योंकि कोडी रोड्स और यंग बक्स ने अपना पैसा लगाया, ROH से परमिशन ली और एक अपना इंडिपेंडेंट शो करने का आइडिया उनके पास आया। इस शो के लिए अनाउंस करा गया कि एक टॉप सुपरस्टार केनी ओमेगा इस शो पर आने वाले हैं, कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स आने वाली हैं और फेमस टीवी सीरीज एरो के लीड स्टार स्टीफन एमएल भी इसका पार्ट बनने वाले हैं। तो December 31, 2017 के बीइंग द इलीट एपिसोड पे ये बात इन्होंने अनाउंस करी कि अलग अलग वेन्यूज ये सॉर्ट कर रहे हैं इस शो के लिए। और January 10, 2018 को अनाउंस कर दिया गया था कि September 1 को इवेंट होने वाला है ऑल इन का और फाइनली March 5 को इसका वेन्यू भी अनाउंस कर दिया गया था एज द सियर्स सेंटर स्टेडियम इन शिकागो इलिनॉय। अब इस शो तक बिल्ड करते करते बहुत सारी अलग अलग अनाउंसमेंट्स हुई थी और बेसिकली गाइस ये सारी अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज के टॉप सुपरस्टार्स का एक क्रॉसओवर था। और इस इवेंट के लिए कुछ कमाल के सुपरस्टार्स का नाम भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था जैसे कि लूचा ब्रदर्स, काजुचिका ओकाडा, टेसा ब्लैनचार्ड, जे लीथल, चेल्सी ग्रीन एंड इवन हैंगमैन पेज। और इस शो को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक और इवेंट अनाउंस करा जो कि था स्टार कास्ट, जो कि एक रेसलमेनिया या फिर समर स्लैम एक्सेस की तरह होगा जहां पे अलग अलग सुपरस्टार्स और रेसलिंग नाम आएंगे, जहां पे फैंस आके इन सब लोगों से मिल पाएंगे। और उसी वीकेंड पे ऑल इनको भी शेड्यूल करा गया था। तो इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दो बड़ी अनाउंसमेंट्स करी गई थी कि रे मिस्टीरियो जो उस समय पे एक फ्री एजेंट थे और NWA के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन निक ऑल्डिस भी इस शो का पार्ट बनने वाले हैं और इस शो तक बहुत सारे और भी रेसलर्स को इन्होंने साइन कर लिया था। तो फाइनली May 13 को इस शो की टिकट्स ऑन सेल गई और केवल 30 मिनट के अंदर पूरी अरीना सोल्ड आउट हो चुकी थी और डेव मेल्जर ये बात जानते थे कि वो ऑलरेडी अपनी बेट हार चुके हैं। तो कोडी रोड्स और यंग बक्स ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, इस इवेंट को अलग अलग तरीकों से प्रमोट करा, इनफैक्ट एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसका नाम था ऑल अस, जहां पे वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे हर एक चीज को जो कि इस इवेंट से पहले हो रही थी। और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करी गई थी ये कि शो ना ही एक ऐसा शो होगा जहां पे ऑडियंस जाके देख सकती है बल्कि इसको पे पर व्यू पे ब्रॉडकास्ट करा जाएगा, फाइट टीवी पर पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, इसका प्री शो भी होगा और ROH और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी शो को दिखाया जाएगा। तो जो फाइनल अटेंडेंस इस शो की गाइस वो थी 11,263 और ये था लार्जेस्ट एवर क्राउड फॉर अ नॉन डब्ल्यू
WWE शो सिंस 1993 जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफर्ट था फ्रॉम द साइड ऑफ कोडी रोड्स एंड द यंग बक्स। अब इस इवेंट के सक्सेस को देखते हुए यंग बक्स और कोडी रोड्स का एक विजन था कि वो अपनी खुद की भी एक रेसलिंग कंपनी बना सकते हैं जिसको वो इसी तरीके से चलाएंगे, और अगर वो एक सक्सेसफुल इवेंट कर सकते हैं तो बैक टू बैक बहुत सारे सक्सेसफुल इवेंट्स भी कर सकते हैं। तो एक बंदा और था जो कि शिकागो के बहुत क्लोज है, जो कि रेसलिंग का बहुत बड़ा फैन है, और वो भी ऑल इन के इवेंट को अटेंड करने के लिए आया था, एंड ही इज नन अदर देन द मल्टी बिलियनर टोनी खान। जी हाँ, वो भी वहां पर मौजूद थे और उनकी भी ड्रीम रही है हमेशा से कि उनको एक रेसलिंग कंपनी खोलनी है। तो इस शो के सक्सेस को देखने के बाद उन्होंने कोडी रोड्स और यंग बक्स के साथ मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने अपने फादर से बात करी है जो कि शाहिद खान है, द ओनर ऑफ जैक्सनविल जैगुआर्स एंड द इंग्लिश फुटबॉल क्लब फुलहैम FC, और वो गाइस जो है उनकी नेटवर्थ अराउंड 6-7 बिलियन डॉलर्स है। तो टोनी खान ने उनको बोला कि भाई, मेरे फादर इस कंपनी को बैक करने के लिए तैयार हैं, वो सारा पैसा लगाने वाले हैं, और मैं तुम्हें चांस देता हूं इस कंपनी में एज अ रेसलर नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनो और तुम इस कंपनी को चलाओगे, जैसे कि तुमने ये एक इवेंट कराए, तुम मेरी मदद करोगे और भी ज्यादा काम करने के लिए। तो गाइस, जो कंपनी का नाम था वो पहले ही पता था द इलीट के अराउंड होने वाला है, क्योंकि यंग बक्स और कोडी अपने आप को इलीट बुलाते थे और नवंबर 5, 2018 को बहुत सारे अलग अलग ट्रेडमार्क्स भी फाइल करे थे जैक्सनविल फ्लोरिडा के अंदर, जो इंडिकेट कर रहा था कि ऑल इलीट रेसलिंग नाम की एक कंपनी लॉन्च हो सकती है। तो दिसंबर 2018 में कोडी रोड्स, यंग बक्स और बहुत सारे और रेसलर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर को छोड़ दिया, और जो पहली अनाउंसमेंट हुई थी कि AEW एक कंपनी बनने वाली है वो बीइंग द इलीट के न्यू ईयर एपिसोड ऑफ 2019 पे हुई थी, जहां पे बेसिकली ये सारे इलीट के मेंबर्स हमको दिखाते हैं कि उनके फोन में डबल और नथिंग का लोगो आ रहा है, और फिर हैंगमैन पेज दिखाते हैं कि उनके फोन में ऑल इलीट रेसलिंग का लोगो आ रहा है। तो फैंस की इतनी ज्यादा डिमांड थी ऑल इन 2 के लिए, लेकिन उसके बदले उनको मिला डबल और नथिंग, जो कि उसी शो का एक सीक्वल था लेकिन एक कंपनी के नाम के अंडर, जो कि थी गाइस ऑल इलीट रेसलिंग। तो जनवरी 2, 2019 को यंग बक्स और कोडी रोड्स ने ऑफिशियली साइन करा AEW के साथ, और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रोल के साथ साथ उनको रेसलर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और ये भी अनाउंस कर दिया गया था कि टोनी खान इस कंपनी के प्रेसिडेंट होने वाले हैं और कोडी की वाइफ ब्रैंडी रोड्स जो है वो चीफ ब्रांड ऑफिसर बनने वाली हैं। अब जनवरी 8, 2019 को इन्होंने अपनी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो कि थी TIAA बैंक फील्ड में, जो कि जैक्सनविल जैगुआर्स का होम स्टेडियम है, और यहां पे अनाउंस करा गया था गाइस कि बहुत सारे और अलग अलग टैलेंट्स हैं जिसको AEW ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जिनमें से SCU, ब्रिट बेकर, हैंगमैन पेज, पाक, जोई जनेला एंड इवन क्रिस जेरिको वॉज अनाउंस्ड एज देयर स्टार। और इससे जो है गाइस, इतनी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई इस कंपनी से। उन्होंने उसके बाद केनी ओमेगा को भी ज्वाइन करवाया एज द 4th एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, लूचा ब्रदर्स को साइन करवाया और अपनी पार्टनरशिप भी अनाउंस करी विद द चाइनीज रेसलिंग कंपनी OWE, यानी कि ओरिएंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, और मेक्सिकन कंपनी AAA लूचा लिब्रे, जिसकी वजह से वो सारे स्टार्स भी AEW में आ सकें। और फाइनली जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट AEW ने करी थी, जिस समय पे मैं कह सकता हूं उनका ड्रीम एक रियलिटी बन चुका था, वो था गाइस जब उन्होंने अनाउंस करी अपनी बड़ी टीवी डील विद TNT, और TNT पे WCW के बाद एक बार फिर से आज रेसलिंग वापस आ चुकी है, एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल इलीट रेसलिंग। तो जबकि इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारी बैक स्टोरीज हैं, ये एक ऐसी कहानी है गाइस जो कि प्लान नहीं करी गई थी, और अगर टाइम सही नहीं होता, इतने सारे सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट उस समय पे एक्सपायर नहीं होते, तो शायद इनमें से काफी सारे सुपरस्टार्स आज WWE में भी होते, और अगर टोनी खान उस समय पे बोल्ड डिसीजन नहीं लेते, अपने फादर से इस कंपनी को बैक करने के लिए फाइनेंशियल वेल्थ नहीं मांगते, तो शायद ऑल इलीट रेसलिंग आज हम नहीं देखते। और अब एक साल हो चुका है इस कंपनी को चलते हुए, और हम कह सकते हैं गाइस कि ये बिल्कुल सही पाथ पे आ रहे हैं और आने वाले समय में एक टफ कॉम्पिटिशन बन सकते हैं WWE के लिए। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे टोनी खान ने बनाया ऑल इलीट रेसलिंग को। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें। अगर ऐसी ही एक और वीडियो आप देखना चाहते हैं कि WWE की कहानी क्या रही थी, किस तरीके से WWE को स्टार्ट करा गया था, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।